सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो, अगर आप अपने व्यूज़ और अपने वॉच टाइम को लेके परेशान हैं, सो डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आपका वॉच टाइम ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं और एजुकेशन के फील्ड में हैं, सो एजुकेशन चैनल ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये कोई फ़नी चैनल या फिर कॉमेडी चैनल वगैरह तो है नहीं जो सब लोग आपके चैनल पर आकर देखें या विज़िट करें। ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप शौक अलग चीज़ है, लेकिन आप में अगर वो दम नहीं है, ठीक है, आप में वो नॉलेज नहीं है, तो आपके वीडियो पे वॉच टाइम भी नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आपको टिप्स ये देना चाहूँगा कि अगर आप अपने चैनल के वॉच टाइम को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको रेगुलर वीडियोज़ बनाने होंगे, ढेर सारे वीडियो बनाने होंगे। आपको ये नहीं सोचना कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको डेली वीडियो बनाते रहना है, और कुछ दिन में देखेंगे कि एक दो वीडियो ऐसा होगा ना जिसपे आपके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो जब मैं पहले BSc MSc बना था, तो मेरे एक वीडियो मैंने डाला था, क्योंकि वो यूट्यूब पे था नहीं, और मैंने डाला तो वो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर एल्जब्रा पर। उस पर व्यूज़ आने लग गए, और मेरा उस टाइम पे वॉच टाइम क्राइटेरिया पूरा हुआ ही नहीं था। सो मैंने क्या किया, जो लीनियर एल्जब्रा का पोर्शन है, मैंने पूरी बुक उठाई और हर एक चीज़ को बनाना शुरू कर दिया। और उस जैसे जैसे वीडियो बनाता गया, वीडियो पे व्यूज़ आते गए, और मेरे एक डेढ़ महीने के अंदर पूरा वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया। ठीक है, सो आपका भी एक ना एक वीडियो ऐसा होगा जिस पे लोगों का प्यार ज़्यादा मिल रहा होगा। सो उस टॉपिक को पकड़ो, उस सब्जेक्ट को पकड़ो, चाहे वो आप एजुकेशन के फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो, ये एक बात सब पे लागू होती है। अगर आप किसी और फील्ड में तो उसी टॉपिक से रिलेटेड अगल बगल के वीडियोज़ बनाओ, ताकि लोग उसी को देखते रहें। आपने एक वीडियो बनाया, बहुत चल रहा है, आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो बात नहीं बनेगी। समझ पा रहे हैं हम, तो बात नहीं बनी। आपको उसके इर्द गिर्द वीडियो बनाते रहना है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हट कर हैं, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में, तो मेन सब्जेक्ट पकड़ लो, उस पर वीडियो बनाते रहो जब तक आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो जाता। बनाते रहो उसको। अगर उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो उसको और एक्सप्लेन करो, वीडियो को लेंथी बनाओ, ताकि उस टॉपिक पर तो आपका वीडियो आ ही रहा है, व्यूज़ आ ही रहा है। आपका मेन टारगेट है वॉच टाइम, और आपको ऑडियंस को इंगेज करना है कि प्लीज़ मेरे यहाँ पर आपको क्या लगा, क्या मेरे को और करना चाहिए, तो वो कमेंट करेंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, आप उनको लाइक करने के लिए बोलो। अगर वो डिसलाइक भी करते हैं तब भी आपका वीडियो ग्रोथ होगा। कई लोगों का धारणा है कि वो सोचते हैं कि हमारे वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आ पा रहा, इसलिए नहीं आ पा रहा, यही रीज़न होता है। सो मेन चीज़ यही देखनी है आपको कि किस चीज़ को आपकी ऑडियंस लाइक कर रही है, उसी चीज़ को टारगेट करो और वीडियो बनाओ। ठीक है, आई थिंक ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मेरा मेन चैनल एजुकेशन का है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसमें भी आपका अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।